अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़हद अली, कॉमर्स फैकल्टी, अगेन विद अ वीडियो। और इस बार जो वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ वो है अकाउंटिंग रेशियोज़ की वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी नई वीडियोस हैं इनके अपडेट्स हैं वो आपके पास पहुँचे। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आपके आप जानते हैं जैसे जो ओला फेस कर रहा हो और इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम फेस कर रहा हो किसी तरीके से, तो टू रेकमेंड माई चैनल टू दैट स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेशियोज़ के टॉपिक को। सबसे पहले तो मैं प्रॉब्लम्स की बात करूँगा। जितने भी स्टूडेंट्स आज के दौर में ओलेवस अकाउंटिंग को ऑप्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा पहला प्रॉब्लम उनका ये होता है कि रेशियोज़ कैलकुलेट तो कर लेते हैं, अकाउंटिंग लिए तो ली है, लेकिन अकाउंटिंग लेते हुए एक ही अजम्पशन थी हमारे पास कि हमें सिर्फ कैलकुलेशन मिलेगी। लेकिन सर अब तो आ गया हमारे पास कमेंटिंग, अब आ गया सबसे बड़ा मसला। तो आज इस मसले को टैकल करने के लिए मैंने कुछ रेशियोज़ आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं। ये वही रेशियोज़ हैं जो आपके अकाउंटिंग के सिलेबस के एंड में एज एन अपेंडिक्स गिवन है। इसके अलावा अगर कोई रेशियोज़ आप पढ़ रहे हैं वो आपके पास पेपर में नहीं आएगा। एट द टॉप माई नेम इज़ मैंशनड, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ मैंशनड। इफ़ यू वॉन्ट एनी ट्यूशन, एनी हेल्प, एनी थिंग एल्स, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। सो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज़ के साथ। अकाउंटिंग रेशियोज़ में दो किस्म के रेशियोज़ आपको नज़र आएंगे आपके पास, और मैं एक एक करके इन रेशियोज़ को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इन दी एंड वंस यू आर डन विद द वीडियो आपको समझ आएगा कि रेशियोज़ कैसे सॉल्व करते हैं। तो वन बाय वन थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको रेशियोज़ बता दूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रेशियोज़ पढ़े होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़े उनको भी थोड़ा सा इन डेप्थ समझाने की कोशिश करूँगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स से। वो अमाउंट जो आपका फिगर वो जो आती है उसको क्या करते हैं आप एज ए न्यूमरेटर टॉप पे रखते हैं और डिवाइड किससे करते हैं, रेवेन्यू से, या मैंने स्लैश लिखा है सेल्स, क्योंकि कुछ बच्चों को रेवेन्यू का टर्म सिखाया जाता है, कुछ बच्चों को सेल्स का पता होता है, तो दोनों में से कोई एक फिगर, दोनों एक ही चीज़ के दो नाम है। ठीक है, तो आप सेल्स नीचे रखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 यू गेट दी ग्रॉस मार्जिन। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी सेल्स को जनरेट करते हुए उस पर कितना प्रॉफिट कमाया, सिर्फ उस सेल को जनरेट करते हुए। देखिए, दो चीज़ें होती है अकाउंटिंग के अंदर, एक चीज़ होती है नेट प्रॉफिट, एक चीज़ होती है ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपके बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, और ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है जो भी गुड्स आपने बेचे उन पे कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला आपके सामने आता है मार्कअप का, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है अब किसके कंपैरिजन में, कॉस्ट ऑफ सेल्स के कंपैरिजन में। पहले किसके कंपैरिजन में था, रेवेन्यू के कंपैरिजन में। कुछ बच्चे ये वर्ड सुनते हैं आगे चल के, मार्जिन एंड मार्कअप ये वर्ड, और उनके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा अजाब होता है इसको सर्च करना, इसको कैलकुलेट करना कि अगर एग्ज़ाम में मार्जिन दिया हुआ तो वो किस पर अप्लाई होगा, ऑन सेल्स, ये हमेशा सेल्स पर अप्लाई होता है। ठीक हो गया, और जो अगर आपके पास मार्कअप गिवन है तो ये किस पर अप्लाई होगा, ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब एग्जामिनर जो है वो बहुत तेज़ है, अगर आप सीधे हैं तो एग्जामिनर भी बहुत सीधा है, तो वो क्या करता है, वो कहता है बच्चों को कि ये रही आपकी सेल्स, अमाउंट दे देगा सेल्स का और आपको दे देगा मार्कअप। अब ये तो मिसमैच हो गया, तो आप क्या करते हो, मार्कअप से मार्जिन में कन्वर्ट करते हो। मार्कअप से मार्जिन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, मार्कअप डिवाइडेड बाय 1 प्लस मार्कअप। 1 का मतलब 100, आप 100 लिख दें, 1 लिख दें, तो आपके पास जितना भी अमाउंट लेट सपोज 20% आ रहा है, तो ये 20% क्या हो जाएगा, आपका मार्जिन हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूलाज आपको इंटरनेट पर अवेलेबल मिलेंगे, तो थोड़ा थोड़ा ब्रीफली अभी एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। थर्ड फॉर्मूला इज प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट फॉर द ईयर, उस साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100, कि आपका उस साल का प्रॉफिट कितना था और वो प्रॉफिट कितना था किस कंपैरिजन में, रेवेन्यू के कंपैरिजन में। फोर्थ फॉर्मूला आपका है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कितना पैसा आपने बिजनेस पे लगाया। आप बिजनेस में दो तरीकों से पैसा लगाते हो, या तो आप अपना पैसा लगा रहे हो जो आपकी सेविंग्स होगी, या तो आप किसी से लोन लेके पैसा लगाओगे, ऐसा ही है, तीसरा कोई तरीका हो नहीं सकता इसके अंदर। तो जब आप खुद के पैसे लगाओगे वो प्लस आपने जो बाहर से लोन लिया होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे नीचे लिखा हुआ, इशूड शेयर्स प्लस रिजर्व्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। सर मेरा बिजनेस तो सोल ट्रेडर है, अब इसमें तो कोई शेयर्स नहीं है, कोई रिजर्व्स नहीं, अब मैं क्या करूं। अब आप सिंपली क्या करेंगे, पूरे कैपिटल सेक्शन को उठाएंगे जिसके अंदर आपका कैपिटल होगा, नेट प्रॉफिट होगा, ड्राइंग्स होंगी, प्लस माइनस करके जो आंसर आता है वो, उस आंसर को प्लस किस में करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर इफ़ इट इज़ अ सोल ट्रेडर। ऊपर का लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इसका मतलब नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करने से पहले जो अमाउंट आती है नेट प्रॉफिट की, उसको आप ऊपर लिखेंगे एज ए न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपको परसेंटेज बता देगा। फिर आते हैं कुछ लिक्विडिटी रेशियोज़। आपके ओलेवस के अंदर दो ही हैं, प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी रेशियोज़। सेकेंड कैटेगरी इज़ लिक्विडिटी रेशियोज़।
करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो शोज़ द लिक्विडिटी ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। करंट रेशियो शोज़ द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। सर ये लिक्विडिटी क्या होता है? ये नई नई टर्म्स है इसके अंदर। तो लिक्विडिटी का मतलब है एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म डेट्स, ठीक हो गया, एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म डेट्स। आपका बिजनेस छोटे मोटे जितने भी कर्जे हैं वो कितने अच्छे तरीके से पे ऑफ कर सकता है, उसको कहते हैं आप लिक्विडिटी, ठीक है। अगर बिजनेस की लिक्विडिटी नहीं होगी, बिजनेस लिक्विड इनफ नहीं है, बिजनेस को इतना पैसा नहीं है कि वो अपने शॉर्ट टर्म डेट्स पूरे कर सके, तो क्या होगा? बिजनेस बंद हो जाएगा कुछ टाइम में। तो ये बहुत कंसर्न की बात है अगर करंट रेशियो बहुत ख़राब है बिजनेस का। सेकेंड, लिक्विड रेशियो विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एसेट टेस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज़। इसको ज़्यादा बेहतर समझा जाता है, उसका रीज़न ये होता है कि देखिए इसमें से आपने इन्वेंट्री को माइनस कर दिया। इन्वेंट्री को माइनस करने से ये ज़्यादा बेहतर क्यों होता है? उसका रीज़न ये है कि देखो इन्वेंट्री को सेल करने में आपको टाइम लगता है। पहले आप उस इन्वेंट्री को मैन्युफैक्चर करोगे, बनाओगे, फिर उसको सेल के लिए डिस्प्ले करोगे, रखोगे, फिर कस्टमर आएगा, वो आपसे परचेस करेगा। कुछ कस्टमर कैश पे करेंगे, कुछ कस्टमर क्रेडिट पे करेंगे। जो क्रेडिट पे करेंगे वो कहेंगे 2 महीने बाद, 1 महीने बाद पे करेंगे। तो ये लंबा एक साइकिल है, एक पूरा प्रोसीजर है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि अगर ये माइनस हो जाता है करंट एसेट से, तो ज़्यादा ट्रू पिक्चर आती है आपकी लिक्विडिटी की। इसलिए लिक्विड एसेट टेस्ट रेशियो ज़्यादा बेहतर पिक्चर बताता है। थर्ड रेशियो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर विच इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या आप इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। सिंपल मैथ्स है। एवरेज कैसे निकलता है? दो चीज़ें हैं तो उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, तीन चीज़ें हो तो डिवाइड बाय 3। एवरेज इन्वेंट्री में हमेशा दो ही चीज़ें होंगी, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। कभी कभी एग्जामिनर का मूड बहुत अच्छा होगा तो वो आपको डायरेक्टली एवरेज इन्वेंट्री दे ही देगा एग्जाम के अंदर। कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑब्वियसली इट इज़ गिवन, इफ इट इज़ नॉट गिवन यू हैव टू कैलकुलेट इट, सिंपल एज दैट। फोर्थ इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का क्या मतलब है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का मतलब है आपके जितने भी रिसीवेबल्स हैं, आपके कस्टमर जिन्होंने आपसे उधार पे माल खरीदा था, वो ऑन एन एवरेज आपको कितने दिनों में पे कर देते हैं, इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 365 किया है। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर का मतलब है आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स को आप ऑन एन एवरेज कितने दिनों में पे करते हैं। एक बताता है आपकी पेमेंट, एक बताता है आपके रिसीवेबल्स के कितने देर में आपको अमाउंट मिलता है ऑन एन एवरेज। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का मैं बताना भूल गया। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स आपकी इन्वेंट्री जो रॉ मटेरियल है वो आपके फिनिश गुड्स में कितनी बार कन्वर्ट होता है पूरे साल के अंदर, ठीक है। प्रोडक्शन कितनी तेज़ हो रही है, इसको कहता है रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। तो ये फॉर्मूलाज थे, मैंने आपको बता दिए। मैं कुछ आपको इसके स्केल्स भी बता दूँ कि कौन सा कितना बेहतर होता है। अगर करंट रेशियो की बात करें तो ये कम से कम भी 1.5:1 होना चाहिए, ठीक है। क्या मतलब? $1.5 ऑफ करंट एसेट इज़ प्रेजेंट, बिजनेस के पास $1.5 ऑफ करंट एसेट है इन ऑर्डर टू पे $1 ऑफ लाइबिलिटी। ये बहुत अच्छा है। सर 1.5 क्यों, 1:1 क्यों नहीं? ये तो ज़्यादा हो गया। 1:1 इसलिए नहीं होता क्योंकि देखो इन्वेंट्री के अंदर टाइम लगता है बेचने में, ठीक है। तो जब इन्वेंट्री में टाइम लगता है तो क्या होता है, हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है वहाँ पे। तो इसलिए मैं इसको 1:1 नहीं कर रहा। दूसरी चीज़, जिन कस्टमर्स ने हमसे क्रेडिट पर परचेस किया, हो सकता है कुछ 2 महीने बाद दें, कुछ 6 महीने बाद दें, कुछ 1 साल बाद दें, ठीक है। तो क्या होता है, उसमें भी टाइम लगता है। तो इट्स इज़ बेटर इफ़ यू गो फॉर 1.5:1। जहाँ तक बात रही एसेट टेस्ट रेशियो की, ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 1:1। सर अगर करंट रेशियो 1.5 से ऊपर हो गया तो इसका मतलब पता है क्या है? ये बुरा है बिजनेस के लिए। हमारे जहन में क्या आएगा कि सर ये अच्छा है? नहीं, ये बुरा है। 1.5 से अगर आपने ऊपर ले गया, लेट सपोज आपका करंट रेशियो आता है 2:1, इसका मतलब है आपके पास जो पैसा है ना वो आइडल पड़ा हुआ, आपने फजूल रखा हुआ पैसा। आप इसको बैंक में इन्वेस्ट करो, इंटरेस्ट कमाओ, आप कुछ गेन करो इससे। बिजनेस माइंडसेट से सोचना है ना, तो इसलिए हमारे लिए ये लॉस है। और अगर सर 1.5 से कम हो, 1 हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास लिक्विडिटी के प्रॉब्लम हो सकते हैं आगे चल के। हो सकता है आप कुछ डेट्स ही पे ना कर पाए, कुछ अमाउंट आपने पे करना हो पे ही ना कर पाए, ठीक है। सो इट्स बेटर इफ़ यू हैव 1:1। अदरवाइज अगर 1:1 से अगर कम होगा तो क्या होगा, 1:1 से कम होने की वजह से लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। 1:1 भी है तब भी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स है। करंट रेशियो में 1:1 से ज़्यादा है, 1.5 है तो इट्स गुड, ठीक है। 1.5 से बिलो जाएंगे तो प्रॉब्लम्स होंगे। अगर हम बात करते हैं एसेट टेस्ट रेशियो की, तो ये 1:1 होना चाहिए। अगर ये 1:1 नहीं है, इससे कम है 1 से, तो क्या होगा, अगेन लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स होंगे। और अगर 1:1 से ज़्यादा है, 1.5 है, तो अगेन आपने क्या किया, अपना पैसा जो आपने स्टोर किया हुआ उसको आपने आइडल रखा हुआ, आप उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो, ठीक है।
आप करंट रेशियो में ये भी कह सकते हो कि आपने बहुत सारी इन्वेंट्री ली हुई है जो कि आपको फिगर्स और अमाउंट्स में नज़र आ रही होगी आपके करंट एसेट के ब्रेकअप के अंदर, जो आपके पास बैलेंस शीट होगी सामने गिवन, तो उसके अंदर आप ये भी कह सकते हो कि आपने बहुत सारी इन्वेंट्री ली हुई है। तो जब ज़्यादा इन्वेंट्री लेते हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? ऑब्सोलीट होने का, आउटडेट होने का। अगर क्वेश्चन कहता है कि आप लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर करते हो, क्वेश्चन कहता है कि आप सेलफोन सेल करते हो सकता है टेक्नोलॉजी ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो जाए, तो ये किसके लिए लॉस होगा? आपके लिए लॉस होगा। ठीक है, तो वन बाय वन मैं इसके कमेंट्स पे बात करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके कमेंट्स पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सर हमें किन किन चीज़ों पे नंबर्स मिलते हैं आंसर्स के अंदर, बात करते हैं कमेंट्स पे। तो एग्जामिनर आपको दो तीन वर्ड्स पे कमेंट देता है, बेटर हुआ, वर्स हुआ, डिटेरियोरेट हुआ, क्या हुआ, ये आपने देखना है इन सब चीज़ों के अंदर। ठीक हो गया, ये लिखना है आपने कि भाई हालात बुरे हुए, अच्छे हुए, क्या हुआ। पहली चीज़ इसका एक नंबर मिल जाता है कि भाई हालात, इसको आप किसी भी वर्ड्स में लिख सकते हैं। मैंने तीन वर्ड सजेस्ट किया, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या आता है? वन होता है। दूसरा एक मार्क इसलिए होता है आपके पास कि यू टेल दैट योर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इफ़ इट इज़ इंक्रीजिंग। तो ये किस वजह से इंक्रीज हो रहा होगा? या तो आपने सेल्स प्राइस बढ़ा दी होगी गुड्स की, सही है, सेल्स प्राइस बढ़ाई तो क्या बढ़ा होगा आपका? सेल्स रेवेन्यू बढ़ गया होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ा होगा, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। एक रीज़न ये है अगर ये बढ़ रहा तो। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है ना आपकी, वो हो रही है कम, जिसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो बढ़ गई आपकी, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री जब बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमेशा कम होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डाउन होता है तो हम इसका उल्टा कर देंगे, मे बी आपने सेल्स प्राइस कम कर दी हो, ठीक है, और मे बी आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो, बढ़ गई हो, मे बी आपने बहुत ज़्यादा परचेजेस की इस बार, आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री हो सकता है ज़्यादा थी, ठीक है, या आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम थी, सिंपल एज दैट। ये आप चार पांच चीज़ें रट लें, लिख लें अपने पास, यूँ समझ लें मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया मार्क्स गेन करने का। एक नंबर इसका मिलता है, एक नंबर इसका मिलता है कमेंट्स के अंदर। कमेंट्स के अंदर बच्चे गलती क्या करते हैं, वर्स ऑफ और बेटर बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ऐसा क्यों हो सकता है। ठीक हो गया, अब आते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर। नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर दीज आर द थिंग्स। सबसे पहली चीज़, अगर आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज बढ़ रहा है, ठीक है, अभी हम मार्कअप पे बाद में आएंगे, पहले नेट प्रॉफिट मार्जिन कर लेते हैं। अगर आपका नेट प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक हो गया, तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स की बात करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका नेट प्रॉफिट अगर मार्ज परसेंटेज बढ़ रही तो क्या हो रहा है? आपका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा होगा ऑब्वियसली। अगर आपका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इससे क्या होगा? आपके एक्सपेंसेस में भी हो सकता है, मे भी लिखेंगे, आपको श्योर श्योर नहीं है कि आप क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस कम हो सकता है। ठीक हो गया, हो सकता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा था। ठीक हो गया, हो सकता है आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा थी, और हो सकता है आपका सेल्स प्राइस आपकी ज़्यादा थी, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसी चीज़ें, ऐसा ना हो कुछ भी लिख दें उसके अंदर। ठीक है, तो ये ख्याल रखिएगा। नेट प्रॉफिट अगर आपका डिक्रीज होता है परसेंटेज तो क्या और होगा? आपकी सेल्स रेवेन्यू हाई हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपके एक्सपेंसेस भी बहुत बढ़ रहे, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट ओवरऑल श्रिंक हो गया आपका। ठीक है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट डाउन था, लेकिन स्टार्टिंग कैसे लेंगे? हमेशा बेटर, वर्स, डिटेरियोरेट, हमेशा स्टार्टिंग इसी तरीके से लेंगे, इसके अलावा किसी चीज़ से स्टार्ट नहीं लेंगे। अगर इसके अलावा लेंगे तो मार्क्स भूल जाएंगे आप। ठीक हो गया, अब हम बात करते हैं मार्कअप की। यहाँ बात करेंगे मार्कअप की। मार्कअप क्या होता है? मार्कअप मीन्स परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, आपका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 100। ठीक है, एक में आप बताते हो आपका ग्रॉस प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू सेल्स, एक में आप बताते हो ग्रॉस प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगेन ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप अगर बढ़ रहा है आपका, मार्कअप मीन्स कॉस्ट के हिसाब से आपका बढ़ रहा है अगर ग्रॉस प्रॉफिट, तो इट मीन्स आप एफिशिएंटली काम कर रहे हो। ठीक है, तो एफिशिएंटली का मतलब है कि आप अपनी सेल, आप अपनी कॉस्ट से ज़्यादा प्रॉफिट को जनरेट कर रहे हो, ऐसा ही है। क्योंकि अगर आप परसेंटेज दिखाओगे, ज़्यादा परसेंटेज आ रही है कॉस्ट ऑफ सेल्स के कंपैरिजन में, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है आपकी कम है और आपका ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है अगर मार्कअप ज़्यादा है उससे। तो ठीक है,
लेट सपोज कॉस्ट ऑफ सेल्स का मार्कअप है 20%, तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, सिर्फ 20% अर्न कर रहे हो, कम कर रहे हो अर्न। तो हो सकता है इसकी वजह ये भी हो सकती है आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स ही कम हो जिसका 20% हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़्यादा हो, अगर 2 मिलियन का अगर मैं बात करूँ 20% लोगे तो ज़्यादा आएगा, ऐसा ही है। और अगर आप 10,000 का 20% लोगे तो कम आएगा, ठीक है। तो दैट यू नीड टू कॉमेंट कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है हो सकता है बहुत ज़्यादा, उसका 20% है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, बेटर है। और ये भी हो सकता है कि आपकी जो सेल्स हो वो कम हो इस बार, जिसकी वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट ही श्रिंक कर गया, ग्रॉस प्रॉफिट श्रिंक कर गया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑटोमेटिकली इसीलिए कर गया कि ज़्यादा थी भाई, जब कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़्यादा थी तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया। तो मोर और लेस मार्जिन मार्कअप में आप ऑलमोस्ट सेम ही लिखते हो रीजंस, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स के एंगल से लिखते हो आप मार्कअप के अंदर। तीसरा हमारे पास था आई गेस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट NPBI डिवाइडेड बाय क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या था, इतना पैसा जो आपने बिजनेस के अंदर लगाया है उसको कहते हैं आप कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, डन हो गया। अब आप बात करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट की, तो आपने कुछ अमाउंट लिखा ऊपर टॉप पे, जैसे सपोज आपका अमाउंट आया 2,000 डिवाइडेड बाय 20,000 आपने लगाए थे मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका कितना हो गया 10%। इसका मतलब है कि मुझे अपने 20,000 जो मैंने लगाए, आइदर मैंने लोन से लिए या मैंने सेविंग या दोनों का कॉम्बिनेशन, तो मुझे जो रिटर्न मिल रहा है वो 10% है। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगेन स्टार्टिंग कैसे लेंगे, बेटर वर्स ऑफ डिटेरियोरेटिंग इंक्रीजिंग इंप्रूविंग ये लिख सकते हो आप, ठीक है। और रेशियोज़ कभी भी सिंगल हैंडेडली आप नहीं लिख सकते, रेशियोज़ के लिए कंपैरिजन ज़रूरी होता है, या तो इंडस्ट्री का कंपैरिजन गिवन होगा उसमें आंसर में, या तो वो बिज़नेस के पास्ट रेशियोज़ बताएगा, या तो वो दोनों आपसे ही कैलकुलेट करवाएगा और बोलेगा कंपेयर करो कॉमेंट करो, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बढ़ गया होगा, क्यों बढ़ा होगा भाई, एक्सपेंसेस कंट्रोल कर लिए होंगे कम हुए होंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया होगा, अल्टीमेटली सेल्स रेवेन्यू बढ़ गया होगा हो सकता है, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं कि कंपनी ने इसको इस बार जो है आपके एक्सपेंसेस को एफिशिएंटली कंट्रोल किया, और अगर आपका नेट प्रॉफिट और अगर आपकी परसेंटेज कम हो रही है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट नहीं है, ये रॉस की परसेंटेज है, ठीक है, ये दोनों रॉस की परसेंटेज है, गलती से लिख दिया। रॉस परसेंटेज अगर आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो आप ये लिखेंगे, और रॉस परसेंटेज अगर डिक्रीज़ हो रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गया हो, सही है। तो ऑब्वियसली एक बड़े नंबर, एक बड़ा नंबर होगा नीचे डिनोमिनेटर में और ऊपर छोटा नंबर होगा तो क्या होगा, परसेंटेज ऑटोमेटिकली डाउन होती है। हो सकता है आपने लोन्स ज़्यादा ले लियो जिसकी वजह से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गया हो, ऐसा भी है, ठीक है। हो सकता है आपका नेट प्रॉफिट गिर गया हो किसकी वजह से, एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से, आपका जीपी गिर गया हो सकता है, और हो सकता है आपकी सेल्स भी गिर चुकी हो, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस हैं, आपने एक दो लिखने होते हैं, दो दो चार मार्क का आंसर होता है, इतना बड़ा आंसर नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं आपके लिक्विडिटी रेशियोज़ पे, तो करंट रेशो की बात करते हैं। करंट रेशो के अंदर आपके पास क्या होता है, करंट रेशो मैं कहता हूँ 1.5:1 इज़ समथिंग गुड, वो कहता है आपका करंट रेशो 2 है, 1.5 से ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन 1.5 है, होना कितना चाहिए 1.5 होना चाहिए। अब आप कहोगे इसमें टू मच कैपिटल टाइड इन, ठीक है, टू मच आइडल कैश टाइड अप, इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो इंटरेस्ट होगा वो लॉस्ट होगा, इंटरेस्ट रेट जो आप अर्न कर सकते हैं वो क्या होगा, लूज हो रहा होगा, ठीक है। और ये इस तरह क्यों आता है, उसका रीज़न ये है, आप इसको करंट एसेट को डिवाइड करते हो करंट लाइबिलिटीज़ के साथ, तो हो सकता है आपका जो अमाउंट है वही कम है करंट एसेट्स का, ठीक है। अगर आप 10 को डिवाइड करते हो 2 से और 10 को डिवाइड करते हो 5 से, तो दोनों में देख लो, अगर आपका न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो आपका आंसर बड़ा आता है, और अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा है तो आंसर छोटा आता है, ठीक है। तो आपको अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस करना है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द करंट रेशो। तो हो सकता है आपकी जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो कम हो, ठीक है, सभी तो हो सकता है कि आपकी करंट लाइबिलिटीज़ ही कम हो गई हो, आप अकाउंट्स पेबल को जल्दी पे कर रहे हो। और अगर ये 1.5 से कम है तो क्या लिखेंगे, तो आप ये लिखोगे कि आपके पास कैश की शॉर्टेजेस है, कैश शॉर्टेज होने की वजह से आपका जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो क्या है, खतरे में। ये वर्ड ज़रूर लिखना कि लिक्विडिटी पोजीशन इज़ इन डेंजर, ठीक हो गया, तो आप लिखोगे लिक्विडिटी पोजीशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
फिर आप ये भी लिखोगे उसके अंदर, अगर आपको और कमेंट्स चाहिए आप ये भी लिख सकते हो, करंट लाइबिलिटीज़ आर लेस, ऊपर वाले में ज़्यादा थी इसमें क्या होंगी, लेस होंगी, ठीक हो गया। ये सारे रेशियोज़ मैथमेटिकली किए जाते हैं, ये आपको इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एसेट टेस्ट रेशियो की बात करते हैं, एसेट टेस्ट रेशियो में क्या होता है, 1:1 इज़ दी गुड थिंग। एसेट टेस्ट रेशियो का कमेंट क्या होगा, सेम एज अबव, ठीक है। बस फर्क इतना है कोई भी पॉइंट आप इन्वेंट्री पे नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि इन्वेंट्री हैज़ बिन डिलीटेड। ये दोनों लिक्विडिटी के रेशियोज हैं, दोनों में आप सेम तरीके से लिखोगे। 1:1 है तो क्या होगा, इट्स गुड। 1 से ज़्यादा है तो क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा कैश है जो आइडली टाइड अप है, आप इसको इंटरेस्ट रेट कमा सकते थे कहीं इन्वेस्ट करके, लेकिन आपने इसको ज़ाया कर दिया, ठीक है। और 1 से कम होगा तो क्या लिखोगे, कैश की शॉर्टेज है, लिक्विडिटी पोजिशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ द बिजनेस इज़ नॉट गुड, और करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हो सकती है, हो सकता है डिक्रीज होगा इसकी वजह से कम हुआ, ठीक है। और कभी कभी आपको अमाउंट्स गिवन होंगे, ठीक है, दोनों सालों का अगर आपको गिवन है अमाउंट्स, तो आप तो फॉरन कैलकुलेट कर सकते हो कि करंट लाइबिलिटीज के गिरने की वजह से हुआ है कि नहीं हुआ। फिर आते हैं ट्रेड पेबल्स के डेज, फिर ट्रेड रिसीबल्स डेज। ट्रेड पेबल डेज जो है ना, कुछ कोई चीज़ अच्छी बुरी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे, इससे पता क्या चलता है कि आपके ट्रेड पेबल्स कितने दिनों में आपको पे करते हैं, ठीक है। अगर पहले करते थे 32 डेज में आप ट्रेड पेबल्स को आप कब पे करते हो, सॉरी इसमें आप रिसीव नहीं करोगे, इसमें आप पे करोगे, पहले आप पे करते 32 डेज में, अब आप करते हो पे 25 डेज में। तो ये अच्छी बात है बुरी बात है, ये बुरी बात है, दिस इज़ वर्स ऑफ, द रीज़न इज़ दैट अब आप जल्दी पे कर रहे हो, तो जल्दी पे करने का मतलब क्या है, आपके यहाँ से कैश जा रहा है। लेकिन इसकी पॉजिटिव साइड भी होती है, भाई जल्दी पे करने की वजह से आपको कुछ डिस्काउंट भी तो रिसीव हो रहा होगा, जो कैश डिस्काउंट आपको देता है वो आपका सप्लायर, ठीक है। तो ये पॉइंटर्स आप लिख सकते हो इन योर ओन वर्ड्स। अगर हम इसको कंपैरिजन करें पिछले से, इसमें क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल डेज के अंदर, टर्नओवर के अंदर जितना कम होना उतना ज़्यादा अच्छा है, कम मींस गुड और ज़्यादा मींस बैड। जितना जल्दी आपका ट्रेड रिसीवेबल आपको पैसे देगा उतने कम चांसेस होंगे किस चीज़ के, बैड डेट्स होने के, इररिकवरेबल डेट्स होने के, उतने कम चांसेस होंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिकॉर्ड करने के, ठीक हो गया। अब एक लास्ट रेशियो मैं बता दूँ आपको, देन विल कंक्लूड। लास्ट रेशियो है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर, द नंबर ऑफ टाइम्स योर इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर ये क्या होगा, ये ज़्यादा होगा तो गुड है और कम होगा तो बैड है, ठीक है। क्यों कम ज़्यादा हो सकता है, ऑब्वियसली अगेन एवरेज इन्वेंट्री ज़्यादा हो सकती है नीचे, और एवरेज इन्वेंट्री ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपका टाइम्स जो आंसर होगा वो कम आएगा। जब टाइम्स आंसर लो होगा तो क्या होगा आपका, अगर आपका आंसर बैड है तो क्या है, एवरेज इन्वेंट्री इज़ हायर। एवरेज इन्वेंट्री हायर है तो क्या होगा, किसकी वजह से होगा, या तो ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा थी या तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा थी, ठीक हो गया। और अगर ये गुड है तो गुड होने का मतलब क्या है, आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स थी वो ज़्यादा थी इस बार और आपकी एवरेज इन्वेंट्री कम थी, और नीचे वाले में वाइस वर्सा हो सकता है कि इसमें आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या थी, कम थी। लेकिन अगेन स्टार्ट कैसे लेंगे, बेटर ऑफ वर्स ऑफ, जो भी हालात थे पहले बताएंगे फिर इसको करेंगे कंप्लीट, ठीक हो गया। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द कॉमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन द रेशियोज टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टूड, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन इज मैंडेटरी, द रीज़न इज़ दैट जैसे ही कोई वीडियो आएगी यू विल रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ दैट वीडियो इंशाल्लाह। और नेक्स्ट टाइम किस टॉपिक पे वीडियो बनाओ यू कैन कॉमेंट बिलो, और आई एम थिंकिंग अबाउट द टॉपिक एंड यू कैन कॉमेंट बिलो, आप देखें कोई सजेशन हैं अगर कोई टॉपिक के, ठीक है, एंड अल्लाह हाफिज़ अल्लाह।